नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक आकाश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एंड्रॉयड फोन के कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को DSLR कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी अपने स्मार्टफोन के कैमरे को DSLR कैमरा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि DSLR कैमरा बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, इसलिए दोस्तों उसको सब कोई परचेस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन आया हूँ जिससे दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन कैमरे को DSLR कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरी ट्यूटोरियल, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे मैं अपने स्मार्टफोन की तरफ, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन सी एप्लीकेशन है जिससे दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को DSLR कैमरा जैसा इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है DSLR इफेक्ट पॉप ब्लर। दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसे ओपन करके इसको कुछ यूज करके दिखा देता हूँ किस प्रकार इसका यूज करना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना, यहाँ पर लोडिंग लेगा एप्लीकेशन। दोस्तों लोडिंग लेना, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ब्लर, शेप ब्लर, टेम्पलेट और फोकस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो को DSLR जैसा इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, कैमरा, गैलरी और माइक क्रिएशन। तो यहाँ पर आपको गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है या कैमरा में भी जाकर टेक फोटो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैलरी ऑप्शन में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको, चलिए मैं यहाँ से एक फोटो को चूज कर लेता हूँ जिसको दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फोन से क्लिक किया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ से एक फोटो को हम चूज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है जितना आपको DSLR जैसा इफेक्ट लाना है, तो यहाँ पर अच्छे से सेव कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर आपको यस नो का ऑप्शन मिलेगा, नो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मेरा पूरा बॉडी भी ब्लर हो चुका है, इसलिए मैं इसको ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने बॉडी को बचाने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड को ही ब्लर रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपने बॉडी पर पूरा का पूरा ये हरा कलर का आता है एक ब्रश, तो इस पर आपको पूरा पूरा अपने बॉडी पर इसे पेंटिंग की तरह कर देना है ताकि आपका बॉडी जो है, आपका जो बॉडी है वो ब्लर ना हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से सही कर देता हूँ। दोस्तों देखिए हमारा बॉडी बच चुका है और हमारा फोटो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, पूरा DSLR इफेक्ट जैसा पूरा अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है। दोस्तों बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इससे आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को DSLR कैमरे जैसा इफेक्ट डाल सकते हैं और वैसे आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों आपको लगेगा भी नहीं कि आपने DSLR से अपने फोटो को क्लिक किया है और फोटो को अच्छे तरीके से एडिट किया है। दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आप यहाँ से सेव करने के लिए यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है तो यहाँ से फोटो आपका सेव हो जाएगा आपके गैलरी में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे और सारे फिल्टर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए मेरे बहुत सारे फिल्टर हैं और दोस्तों यहाँ पर से ब्लर भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। दोस्तों बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसके अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।